देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे दल जो भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, जो इसको कभी प्राथमिकता नहीं देते थे, जिनके प्रोग्राम में कहीं भारत और इंडिया कहीं भी उसका स्थान नहीं होता था, एक तो इन्होंने नाम ये रखा, इनको इंडिया की याद आई, इसके लिए मैं इन लोगों को बधाई देता हूँ। और दूसरा, ये जो गठबंधन है, ये अवसरवादिता का सबसे बड़ा एक इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि ऐसे दल जो दिन में एक दूसरे को गड़बड़ियाँ करते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं और रात में एक दूसरे को गाड़ियाँ देते हैं, ऐसे लोगों का गठबंधन है। अब आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी, बाकी सब दल, चाहे वो लालू प्रसाद यादव है, चाहे अरविंद केजरीवाल है या नीतीश कुमार है, इनको कल तक ये गाड़ियाँ देते थे, आज इनको गले लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे दिल्ली का चुनाव जीतने से पहले कि मैं सत्ता में आते ही उससे पहले की, यानी कि उनसे पहले जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उनको जेल भेजने का काम करूंगा, उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो आज जो व्यक्ति इस तरह की बात करते करते और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं को जो गाड़ियां देता था, सब इसको भ्रष्टाचारी दिखाई देते थे, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे सोनिया गांधी है, चाहे लालू प्रसाद यादव है, चाहे शरद पवार है, किसको गाड़ियां नहीं दी अरविंद केजरीवाल ने। आज इंडिया के नाम पर लोगों को धोखा देने के लिए किस प्रकार से एक गठबंधन का सहारा लेकर के जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता अब धोखा देने वाली नहीं है, इन सब लोगों की जो बातें हैं उनको समझ चुकी है, उनको जान चुकी है और ये भी जान चुकी है कि वर्तमान में अगर देश को ऊंचाइयों पर कोई लेकर के गया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के गए हैं। देश अगर दुनिया की आज बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, बड़ी आर्थिक ताकत बना है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है। आज इसरो के वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, चंद्रयान चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव के ऊपर भेज करके, वो नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। आज किसान की बात करें, व्यापारी की बात करें, मजदूर की बात करें, आज किसी भी वर्ग की बात करें, सबके कल्याण के लिए जो काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, और दोबारा से इनको लग रहा है कि 24 में भी देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के सेवा को देखते हुए, इनके सेवा कार्यों को देखते हुए एक बार फिर से इनको प्रधानमंत्री बनाएगी। तो उसके कारण से ये सब लोग जो एक दूसरे को चोर कहते थे, आज इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, आज मिल करके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने का काम करेंगे। लेकिन ये देश की जनता है, नरेंद्र मोदी जी से प्यार करती है, नरेंद्र मोदी जी के जो काम हैं उनसे प्यार करती है। मैं कहना चाहता हूँ दावे के साथ कि पिछले से ज़्यादा बहुमत के साथ इस बार देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के उस चरित्र को दर्शाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो केवल उसको ठीक लगता है वही काम करती है, देश की जनता को और देश को ठीक लगे इस बात से उसे कोई मतलब नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी सरकार रहते, चाहे वो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय या इंदिरा जी के प्रधानमंत्री रहते, ज़्यादातर चुनाव लोकसभा विधानसभा के एक साथ हुए, लेकिन जब उनको लगा कि अब ये उनकी पार्टी को शूट नहीं करता, तब जाकर के उन्होंने केवल चुनाव अलग अलग समय पर कराने शुरू नहीं किए, कितने ही प्रदेशों की सरकारों को लोकतंत्र के नाम पर और लोकतंत्र को ही धोखा देते हुए बर्खास्त करने का काम किया था। ये वही राजनीतिक दल है जिसकी सर्वोच्च नेता इंदिरा गांधी जी अगर चुनाव हार जाती हैं, उनके खिलाफ कोर्ट से फैसला आ जाता है, तो देश के अंदर तानाशाही लागू कर देती हैं, देश के अंदर इमरजेंसी लागू करके
उस समय के सब बड़े जो नेता थे, जो धरती के पुत्र थे, उनको जेल के अंदर डालने का काम किया जाता था, उनको उनका उत्पीड़न किया जाता था। इस प्रकार की जिन लोगों ने राजनीति करी हो, देश का उत्पीड़न जिन लोगों ने किया हो, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले जिन लोगों पर हो, अब उनको ये बात रास नहीं आ रही कि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साफ सुथरी सरकार चल रही है, एक पारदर्शी सरकार चल रही है, और वो सरकार एक बार फिर से कैसे वही पुरानी व्यवस्था लागू हो जो कभी कांग्रेस पार्टी के राज में चलती थी, ताकि देश की जनता का समय बचे, देश की जनता का पैसा बचे, सरकारी मशीनरी की इतनी ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा बचे, ताकि ये दोनों चुनाव एक साथ करवाए जा सके। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब उसको लगता है कि ये व्यवस्था देश के लिए तो ठीक हो सकती है, एक साथ चुनाव करवाना, देश की जनता के सर के ऊपर से बार बार चुनावों का वजन तो हटा सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को शूट नहीं करती। और जब कांग्रेस पार्टी को शूट नहीं करती, तो जिस प्रकार की समिति केंद्र सरकार ने बनाई थी इस बात का अध्ययन करके रिपोर्ट देने के लिए कि किस प्रकार से एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं, उससे इस्तीफा देने का काम किया, तो इस प्रकार की ड्रामेबाजी को देश की जनता समझ चुकी है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।